औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं मलक रिज़वान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद रिज़वान 63। आज का मौसम माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, देखें सारी हर तरफ हरियाली है, हमारे ग्राउंड में ज़बरदस्त हरियाली है, बरसात का मौसम है। इधर रोज़ाना तकरीबन बारिशें हो रही हैं, ग्राउंड की घास बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ये भी कटाई करने वाली है। वो हमारा नेट है, सारा ही पानी से भरा हुआ है। तो वीडियो आज हम लेके आए हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आज का। और आज का टॉपिक हम बनाएंगे पाल के मतलब। बहुत सारे ये आज की वीडियो है क्लब क्रिकेटरों के मतलब और क्लब मैनेजमेंट के मतलब, उनकी एक सहूलत के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लब क्रिकेटरों को शिकायत होती है कि हमारा बाल अच्छा नहीं चलता, हमारा बाल एक तो महंगा बहुत आता है, ठीक है, बाल आपने अगर कम से कम या सस्ते से सस्ता भी टू पीस भी बाल लेंगे ना, वो आपको 400 का मिलेगा, ये वाला, ठीक है, 400 का बाल आपको मिलेगा। लेकिन 400 वाला बाल भी इतना अच्छा बाल नहीं होता। हर एक चीज़ और है, मैं ना एक किसी क्रिकेटर के पास बैठा था तो उसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उस क्रिकेटर ने कहा कि हर बंदे की ख्वाहिश यही होती है कि मैं अच्छा बैट लूं, महंगे से महंगा बैट लूं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि यार मैं बाल भी अच्छा लूं, ठीक है। हम अच्छे बैट तो ले लेते हैं लेकिन अच्छा बाल नहीं लेते, ठीक है। और बुरे बाल का नुकसान क्या होता है, बुरे बाल का नुकसान ये होता है कि वो पत्थर बाल होता है, ठीक है। एक तो लगेगा बहुत जब आप फील्डिंग करेंगे उसके साथ, फील्डिंग पे वो हाथ पे लगेगा वो बाल बहुत ज़्यादा। दूसरे नंबर पे बल्ला तोड़ोगा, बल्ले को तोड़ेगा, ठीक है। तेज़ बॉलर अगर यार्कर बाल, अच्छा बल्ला जो होता है वो थोड़ी सॉफ्ट लकड़ होती है, ठीक है, वो टूट जाएगा बल्ला अगर तेज़ बॉलर आ गया, अच्छा यार्कर गिर गया, यार्कर को रोकने के लिए बहुत सारे ऐसे बल्ले हमने मैचों में टूटते देखे हैं, नई नई बल्ले टूटते देखे हैं, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक हो गया, तो है बाल के मतलब ही, ठीक है। तो बाल के मतलब वीडियो ये बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे जो क्रिकेटर हैं इनको शिकायत होती है बाल महंगा, एक तो वो परचेज नहीं कर सकते जो क्लब क्रिकेटर हैं, और दूसरे नंबर पे अगर वो लेते हैं तो वो बाल ख़राब हो जाती है बहुत जल्द, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बाल लंबे टाइम तक कैसे चल सकती है, उसको लंबे टाइम तक चलाने का क्या तरीकाकार है, ठीक है। तो वीडियो के साथ रहना, वीडियो देखते रहना, वो इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे कि कैसे हम बाल की जो लाइफ टाइम है वो बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बाल लेनी है, महंगा बाल लेना है, ठीक है। अच्छा महंगा मतलब कि अच्छा बाल आपने लेना है, अच्छा बाल कम से कम आपको 700-800 तक मिलेगा। अगर फ़र्ज़ करें अगर आपने बाल लिया, सस्ता बाल लिया, सस्ता बाल आएगा 350 का, 350 का बाल आप एक जगह रख लें, एक जगह आप 750 वाला, 700 वाला बाल रख लें, ठीक है। जो 750 वाला बाल है वो आप नेट में चलाएंगे या मैच मिसाल के तौर पे आप नेट में चलाएंगे, वो कम से कम आपका 10-12 दिन आसानी से बाल चला जाएगा और उसकी शाइनिंग भी ख़राब नहीं होगी उस बाल की, ठीक है। और उसके बाद आप ले लें 350 वाला बाल, 350 वाला बाल वो 3 दिन के बाद वो बाल बिल्कुल 2-3 दिन के बाद, ऐसा भी होता है कि एक दिन में वो बाल रफ़ हो जाता है, बाल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, सिलाई उसकी फट जाती है, ठीक है, लेदर उसका ये सारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये उसके नुकसान। और दूसरे नंबर पे वो बल्ले को लगेगा, ठीक है, बल्ला तोड़ सकता है, ठीक है। अगर आप फील्डिंग में लेके आते हैं वो बाल हाथ पे लगेगा, जो अच्छा बाल है वो कम से कम 10-12 दिन आपका बाल निकलेगा और उसके बाद ना तो उसकी लेदर ख़राब होगी, ना उसकी इतनी जल्दी सिलाई फटेगी, ठीक है, और ना ही वो बाल आपके आपको इंजर्ड करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं बाल की तरफ, सबसे पहले आपने लेना बाल अच्छा लेना, ठीक है, और उसके बाद बाल को आप लंबे जैसे कि 10 दिन मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छा बाल है वो आपने पानी से बचाना उसे, ठीक है, लेदर पानी में ना लगे। ये लेदर है सारी बनी है, देखें बाल ये सारी लेदर है, ठीक है, लेदर वाला सारी लेदर, अगर ये बरसात का मौसम अगर पानी लग गया तो ये लेदर फूल जाएगी, ठीक है, पानी से आपने बचाना बस। अक्सर जो बाल ख़राब होता है इस जगह से ख़राब होता है, ये फट जाती है सिलाई सारी, ठीक है। तो इसको लंबा टाइम चलाने के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना होगा, वो है इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक टेप बॉल की, जो टेनिस बॉल के ऊपर करते हैं, ठीक है, वो हम आपको लेके आए, वो कैसे करनी है, ठीक है। तो वीडियो आपने मेरी देख लेनी है, वीडियो तो आप वॉच करेंगे, लेकिन आपने ये
जरूर आपने ट्राई करना, जो क्लब क्रिकेटर देख रहे हैं या कोई और मैनेजमेंट कोई भी क्लब को चलाने वाले वो देख रहे हैं, जैसे आप ग्रिप करते हैं टेप बॉल पे, ठीक है, ऐसे इसकी ग्रिप करनी है सिलाई के ऊपर, ये सिलाई के ऊपर आपने वैसे इसकी ग्रिप करनी है, ठीक है, ये मैं ग्रिप कर रहा हूँ सिलाई के ऊपर, अच्छी ग्रिप आपने करनी है, ठीक है, दो तीन रोल आपने कर लेने और बराबरी के करने हैं, ठीक है, आगे पीछे नहीं करने, ये हो गया रोल, ठीक है, अभी आपने इसको दबाना है अच्छे से, ग्रिप को आपने अच्छे से दबाना है, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपने ट्राई करके देखनी है ये वाली, ठीक है, ये बाल की आपने ट्राई करके देखनी है नेट में, जिधर आपका बाल जो आप बाल लेते हैं यानी कि अच्छा, सबसे पहले आपने लेना अच्छा बाल, नॉर्मल बाल ही आपने लेना, कोशिश करें कि अच्छा बाल ही लें, वो वैसे जब हम शुरू में लेते हैं ना बाल वो आप लेंगे दूसरा महंगा बाल लेंगे 700 का, जो नॉर्मल बाल है वो लेंगे 300 का, वक्ती तौर पे पैसे देते वक्त तो हमें ये लगेगा कि यार ये बाल सस्ता है वो बाल महंगा है, लेकिन जब आप यूज़ करेंगे दोनों तो जो आपको महंगा बाल है ना वो आपको सस्ता पड़ेगा, वो आपको वक्त के बाद पता चलेगा, उसकी वजह ये है कि ये हफ्ते में ये बाल होंगे 3 इस्तेमाल, वो हफ्ते में एक बाल इस्तेमाल होगा, ठीक है, और इसकी लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए ये आपने टेप का रोल ऊपर करना, टेप का रोल आप करेंगे आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है, नेट जब आपका ख़त्म होगा आप देखेंगे अगर कोई डैमेज चीज़ होगी तो वो सिर्फ ऊपर की हुई टेप होगी, दूसरे दिन दोबारा आए अगर इसके ऊपर ये टेप रुकी हुई है टिकी हुई है टेप, ठीक है, तो फिर आपने इसी से करनी है बाल, नहीं तो आप नई ग्रिप कर सकते हैं, अगले दिन आप दोबारा भी नई ग्रिप कर सकते हैं, ये ट्रिक आपने ज़रूर आजमाना है, चेक करनी है, और उसके बाद आपने वीडियो पे कमेंट लाजम करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत शुक्रिया, और मेरे